Well, almost a year has passed since Timahasau was hit by massive landslides and flooding in what can be still called as one of the biggest natural disasters to have hit the district in recent times. Well, Timahasau witnessed a trial of destruction that threw life out of gear beyond measures. However, the district has limped back to normalcy in a year's time, thanks to the relentless efforts of the local administration to improve connectivity in the region. The Timahasau Autonomous Council team, led by Chief Executive Member Devalal Garlasa, in assistance with the Assam government and the district administration, has made remarkable progress in terms of restoration of road communications and rehabilitation of the people who lost their houses. And though most of the roads are still being repaired, key roads like Haflong to Lanka, Haflong to Silchar, Jatinga to Haflong, and several roads in the interior have been repaired and restored. So now let's take a look at this ground report from our colleague Swadeep Hasamsa from Timahasau. Yes, it was a lot of rain. The road was closed. The station was closed. There was a problem with food. हेलीकॉप्टर से खाना उना भेजा था, ठीक किया था सरकार ने। अभी तो फिलहाल रास्ता का ठीक है, आगे से तो बहुत बेटर है ना। अभी एक साल में ऐसा होगा बोल के नहीं सोचा ना? कभी नहीं सोचा ऐसा होगा बोल के ना। शहर को रास्ता दिन में क्या कैसा देखा रहा अभी? हाँ, बहुत हैवी रेन हुआ रहा, रास्ता उस्ता बंद हो गया रहा, माइगंग टनल भी ब्लॉक हो गया रहा, पानी मतलब आ गया रहा। और ये जाटिंगा का जो एस टर्निंग एस कार्व बोलता, वहाँ भी बहुत गाड़ी उड़ी रुका, माटी उटी आया, तो वही वैसे मतलब हमारा लाइफ में तो पहली बार देखा है इतना मतलब खतरनाक बारिश डिजास्टर बोलेगा ना क्या। अभी अभी एक साल हो गया, एक साल है उसका। कैसा देखा? हाँ, उसका हिसाब से तो जो भी हो रिकवरी तो मतलब जितने जितना खतरनाक मतलब उस टाइम देखा रहा उस हिसाब से तो हाँ ठीक ही हुआ, बहुत जल्दी काम हुआ ही बोलेगा जो भी बोलो, सरकार बोलो या जो बोलो सब मिलकर जो भी किया मतलब जल्दी किया। मतलब इधर गुंजुंग वाला में कनेक्ट हो गया, कनेक्शन तो बहुत पहले भी हो गया मतलब क्लियर, तो फिर भी उस हिसाब से हमारा हिसाब में तो जो मतलब बर्बाद हुआ जितना अभी डैमेजेस हुआ सब मेनली रास्ता उस्ता तो बहुत जल्दी मतलब रिकवर हुआ। पिछले साल का मई महीने का 14 तारीख से यहाँ पर डिमाहासो में जो बारिश का जो कहर जो देखने मिला, जो जिस तरह से भूस्खलन हुआ है उसमें से बहुत सारे लोगों का जो है बेघर हो गया था और बहुत सारे रास्ता जो है ब्लॉकेट पड़ा हुआ था। लगभग बहुत सारे जो रूट कम्युनिकेशन जो है ख़राब हो जाने की वजह से यहाँ का लोग आना जाना बंद हो गया था, और साथ ही साथ में रेलवे भी ट्रैक भी पूरी तरह से ख़राब होने लग गया था। लेकिन एक साल के अंदर ही हर रास्ते जो है फिर से खुलने लग गया है। ये जो है रिस्टोरेशन का काम घेर से शुरू हुआ, बहुत ज़ोरदार से शुरू हुआ। रेलवे ट्रैक भी फिर से मरम्मत के लिए बहुत सारा जो है केंद्र सरकार की तरफ से सहायता दे गई, और साथ ही साथ में 3 महीने का अंदर में ही ये पूरा का रेलवे जो है फिर से चलने से का सफल हो गया। और साथ में जो है ये जटिंगा हाफलोंग से गुवाहाटी की ओर जाने वाले रूट और या फिर हाफलोंग से लंका रूट वो भी फिर से रिस्टोर होने लग गया था। लेकिन आज के दिन से पिछले साल मई महीने का दिन में 2022 जो किस तरह सा हुआ वो हादसा जो इंसिडेंट वो एक डिजास्टर जो है हर किसी को एक दिल दहलाने वाला डिजास्टर था। फिर है 365 डेज हो गया है आज का दिन से लेकर, लेकिन अभी जो है फिलहाल काफ़ी लोग भी यही माना कि ये सरकार की मदद से या फिर यहाँ का जो लोगों का सहायता से ये फिर से जो है नॉर्मल सी लाइफ वापस आया है, इस तरह सा लोग कह रहे हैं। इसके साथ सोबेस कैमरा के साथ मैं स्वदेव हसमसा, नॉर्थ ईस्ट लाइव, हाफलोंग।